योगी सरकार के नए फैसले से जनता का बजट खराब होता दिख रहा है। योगी सरकार ने जनता को झटका देते हुए घरेलू बिजली को महंगा करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने बिजली की दरों में 12% तक की बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश बिजली नियामक आयोग ने खर्च में बढ़ोतरी और राजस्व में कमी की स्थिति को देखते हुए मंगलवार को राजस्व में बिजली की दरों में 12% तक वृद्धि को मंजूरी दी है। दरअसल आयोग ने नियामक सरचार्ज समाप्त कर दिया है, जिसके बाद घरेलू औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए दरों में बढ़ोतरी होगी। एक ओर जहां घरेलू मीटर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 8-12% के बीच बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है, तो औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 5-10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं सरकार के बिजली महंगी करने के फैसले पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने कहा कि सरकार आम जनता पर बोझ डाल रही है। ये विदित है, इस निर्णय से ये विदित है कि महंगाई दर लगातार बढ़ेगी और परिवार पे ऐसा दबाव पड़ेगा कि परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक काम इंसान के लिए आग्रह करना चाहते हैं सरकार से, मेरा यही आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पे पुनर्विचार किया जाए, इस निर्णय पे, और इसको वापस लेने का, इस काले कानून को वापस लेने का काम किया जाए, जिससे एक आम जनता के रूप में जिस तरह से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक द्वारा आए तीसरे महीने पे बिजली के दरों में वृद्धि कर दी जा रही है, इससे आम जनता, किसान, मजदूर और गरीब तबके के लोगों के ऊपर एक गहरा दबाव और बोझ होता जा रहा है। जिस तरह से महंगाई दर महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें एक और हमारे ऊपर जो भार आके गिरा है बिजली के रूप में, इससे समझ लीजिए कि बिजली के करंट से मृत्यु बाद में होगी, पहले बिजली के बिल से आम लोगों का होगा। सूखा का स्तर आप देख ही रहे उत्तर प्रदेश में, और किसान बेचारे धान को लेकर परेशान हैं, आटा चक्की वाले पैसे पेमेंट कर रहे हैं। तो इससे निश्चित रूप से जो आम तबका है, आम जनता है, जो वास्तविक जनता है, जो वोटर्स हैं, उनके अंदर बहुत ही गहरा गुस्सा और आक्रोश। आप लोगों पर एक अलग बोझ पड़ेगा। बिल्कुल, हम लोग छात्र हैं और किराए के कमरे में रहते हैं। अगर गर्मी में कूलर चलाना है तो जो 200 रुपया पहले हम लोग दिया करते थे, अब मकान मालिक करें कि बिजली का बिल बढ़ जाने से आप 250 से 300 रुपये बिजली का बिल दीजिए, फैन आप नहीं चला सकते हैं। आज विद्युत दरों में जो बढ़ोतरी हुई है और विद्युत कटौती जो हो रही है और लो वोल्टेज की समस्याओं को लेकर के आज एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, लेकिन SDM तुलसीपुर के द्वारा कनमे SO पचपड़वा के द्वारा संस्तुति के बाद भी उन्होंने धरना प्रदर्शन का परमिशन नहीं दिया, लेकिन कनमे सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके विद्युत विभाग के SDO ने हमारा ज्ञापन लिया और ज्ञापन में 14 सूत्री मांगे हमने रखी। विद्युत समस्या की मेन समस्या है कि करीब 20 दिन से यहाँ विद्युत कनमे आपूर्ति ठप पड़ी हुई है, लोग कनमे बीमारी से बेहाल हैं, और तो और मुहर्रम का त्यौहार आ रहा है, इसमें कनमे में लाइट की बहुत आवश्यकता है, सभी लोग कनमे इसमें मरूँ और मुहर्रम और प्लस कनमे गणेश चतुर्दशी की कनमे त्यौहार फीका रहा है। हम इन समस्याओं को लेकर के अपने कार्यकर्ता साथियों के साथ धरना दिया है। अगर इन मांगों को कनमे तत्काल प्रभाव से नहीं मांगी गई तो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में तहसील तुलसीपुर का घेराव किया जाएगा और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। वहीं इस फैसले के बाद एक बार फिर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध करते हुए ट्वीट किया और उन्होंने सरकार के इस फैसले को जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश की करोड़ों खासकर मेहनतकश जनता पर महंगाई का और ज्यादा बोझ बढ़ेगा और उनका जीवन और भी अधिक त्रस्त और कष्टदायी होगा। मायावती के बाद अखिलेश ने भी ट्वीट कर सरकार को आड़े हाथों लिया। अखिलेश ने ट्वीट किया कि एक तरफ घटती आय, मांग और बढ़ती लागत की वजह से देश की उत्पादकता दर लगातार नीचे जा रही है, वहीं प्रदेश में बिजली की दरें ऊपर जा रही हैं, कारोबार और जनता सब त्रस्त हैं। उत्तर प्रदेश में निवेश की घोषणाएं भी थोथी साबित हो रही हैं, क्योंकि इनके लिए कोई भी बैंक पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल यूपी सरकार लंबे समय से बिजली के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही थी और काफी मंथन के बाद सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद अब जनता को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।